Really? What are they? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तासीर और आज मैं आपको 90 डिग्री टू द ग्राउंड ग्लेल एम करने का तरीका बताऊंगा। कुछ लोग ग्लेल इस तरह चलाते हैं और कुछ लोग ग्लेल इस तरह चलाते हैं। ये वाला जो एंगल है ये वाला, दिस इज़ 90 डिग्री टू द ग्राउंड एंड दिस वन इज़ 180 डिग्री टू द ग्राउंड। ओके, सबसे पहले आपने अपनी जो है ना जो पकड़ने का स्टाइल है, ग्लेल पकड़ने का स्टाइल, वो आपने कंसिस्टेंट करना है। लाइक अगर आप इस तरह चलाते हैं ग्लेल या फिर इस तरह चलाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जब ग्लेल चलाते हैं तो उनकी इस तरह होती है कुछ की, और कुछ लोग इस तरह चलाते हैं और कुछ इस तरह चलाते हैं। जो राइट मेथड है 90 डिग्री टू द ग्राउंड ग्लेल एम करने का, वो ये है कि आपने ये देखें। और दूसरी बात, जब आप ग्लेल खींचते हो तो ये कुछ देखिएगा, जो कुछ हजरात ऐसे करते हैं, मैं उनको कुछ की मैंने वीडियोस देखी हैं और कुछ को मैंने फेस टू फेस भी देखा है, जैसे ग्लेल चला रहे होते हैं ऐसे ग्लेल पकड़ ऐसे छोड़ देते हैं कि झटका मारते हैं। और दूसरा, ऐसे ग्लेल को एम भी नहीं करते, ग्लेल को एम भी नहीं करते और ऐसे पकड़ते और ऐसे छोड़ देते हैं। ये सारे के सारे जो है ना वो सारे गलत पॉइंट्स हैं, इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। तो ये अभी आपको मैं बताता हूँ, जो बिगिनर्स हैं स्लिंग शॉट में जो है ना, जिनके अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो ये 90 डिग्री टू द ग्राउंड ये आपका रेफरेंस होता है, ये रेफरेंस, ये मैं आपको दिखाता हूँ शॉट लेके। और अभी जब आप इसमें इसको स्लिंग शॉट को लोड करते हो तो जो इसमें आपका एमओ होता है ना, तो ये देखिए आप, आपने ये इसमें एमओ है, ठीक है। अभी आपने जो है ना इसका पाउच जो ना इस जिस जगह पे एमओ है ना, तो जिस जगह पे इसका एमओ है उधर से पकड़ना है आपने, ठीक है। ये अभी इधर से मैंने पकड़ा हुआ है। अभी अगर आप इधर से पकड़ोगे तो ये ऐसे जब आप छोड़ेंगे तो ये आपके ऐसे जो है ना वो जंप करेगा, ठीक है। जैसे ये अपनी आपकी जो है ना फिंगर से लगकर जंप करेगा, तो जंप करने से आपका जो है ना वो एम ख़राब हो जाएगा, या फिर आपको या आपके फोर्थ टिप पे लगेगा जाके शॉट, या फिर आपके जो है ना ये आपके थंब पे लगेगा, तो जिसका रिजल्ट जो है ना वो अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। इसलिए इस तरह पकड़ें पाउच को, ये देखें, ये इसमें एमओ है, इसको एमओ सीधे से पकड़ना है, ठीक है। और ये आपकी, ये देखें, ये आपके आपके थंब और ये आपके इंडेक्स फिंगर, इधर से आपने पकड़ना है इसको, ठीक है। और इधर से आपने इस तरह इसको एम लेना है, ठीक है। अभी जैसे आप टारगेट ले रहे हैं तो आपने जब इसको ड्रॉ करना है ना, ये देखें, ड्रॉ करके आपने इसको अपने नोज़ और आपकी लिप्स के जो दरमियान ये एरिया है ना, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा तो आप इधर लेके आएँ, ठीक है, इसको खींच के। क्योंकि जब इधर आप खींच के लेके आएंगे तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट होगा और आपका जो टारगेट होगा वो आपके जो अपनी जो आपकी डोमिनेंट आई है, ठीक है, उससे आपको ठीक ठीक नज़र आएगा, ठीक है। ये देखें, अभी मैं अभी इसको खींच के लगाता हूँ शॉट। चले मैं आपको अभी पॉइंट ऑफ विजन बताता हूँ कैमरे से, कैमरे से टारगेट आपको लेकर बताता हूँ कि रेफरेंस कौन सा है, और आपको पी ओ वी जो है ना आपका, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ।